आवर टूडेज टॉपिक इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से ही पता चल रहा है, कंस्ट्रक्ट यानी किसी भी चीज़ को बिल्ड करना। अब इंडिविजुअल कैसे अपने न्यू आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करता है, न्यू आइडियाज़ को बिल्ड करता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, तो वो सब जो है वो डील करता है कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, के कैसे एक इंडिविजुअल अपने प्रीवियस और एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर अपने फर्दर आगे न्यू आइडियाज़ को जनरेट करता है, उनको एक्सप्लोर करता है, अवेलुएट करता है, और कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। तो सबसे पहले डिटेल में कंस्ट्रक्टिविज्म देखने से पहले हम देखते हैं कि फ्रॉम वेयर इट हैज़ इस्टेब्लिश। तो एजुकेशन में बताया एक बहुत वाइड ब्रांच है, और एजुकेशन है क्या, ये एक लर्निंग प्रोसेस है और फर्दर डील करता है साइकोलॉजी के साथ। अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है फिजिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। तो साइकोलॉजी मेन जो है वो इंडिविजुअल की फिजिकल मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ, उसके डिफरेंट कंडीशंस के साथ, उसके इंटेलेक्चुअल और मेंटल स्टेट के साथ जो है वो डील करती है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो फोर मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, वो है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। जो हमारे पास फोर मेजर साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो ये चार हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आइडियलिज्म, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ आइडियलिज्म, फिर रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म एंड फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। और भी हमारे पास बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन हम जो एजुकेशन में जो फोर मेजर यूज़ होते हैं वो ये चार हैं, जिनमें से हमारा आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। आज हम कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बात करेंगे। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में देख लिया था, कंस्ट्रक्टिविज्म न्यू आइडियाज़ और नॉलेज को जनरेट करने का नाम है। अब न्यू आइडियाज़ और नॉलेज जनरेट कैसे होते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो कैसे कि जैसे इंडिविजुअल थिंकिंग थ्रू थिंकिंग, तो थ्रू इंडिविजुअल्स थिंकिंग, उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे एक्सपीरियंस करेगा तो लर्निंग उसके पास होगी, तो फिर ही उसके पास न्यू आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद कल्चर एक बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि जो कल्चर है वो डिफाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल की थिंकिंग को, और देन जो है वो आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है कल्चर। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन, फैमिली इंट्रैक्शन, और ये हमारे स्कूल में जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ इंट्रैक्शन भी हो सकती है। तो लर्निंग जो है वो इंट्रैक्शन के थ्रू भी होती है। उसके बाद लर्निंग हमारे इन सारे पॉइंट्स के जो साथ वो डील करती है। उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बेसिक ये सब प्रोसेस हैं, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे स्टेप्स उसमें यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमारे पास है वो किन किन चीज़ों के साथ डील करती है, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल जनरेट करता है उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बिल्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं, फर्दर। और अब हम इसकी ये डिटेल देखते हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म इज लर्निंग थ्योरी फाउंड इन साइकोलॉजी, इसके बाद हम पीछे कर चुके हैं, विच एक्सप्लेन हाउ पीपल माइट एक्वायर नॉलेज एंड लर्न। तो बेसिकली इसकी डील लर्निंग के साथ ही है, कि कैसे जो है वो पीपल पहले नॉलेज को एक्वायर करते हैं, फिर उस नॉलेज से उनका एक्सपीरियंस होता है, और कैसे एक्सपीरियंस के थ्रू वो लर्न करते हैं, तो उस लर्निंग से कैसे हमारे पास आइडियाज़ जो है वो जनरेट होते हैं। इट देयरफॉर हैज डायरेक्ट एप्लीकेशन टू एजुकेशन। द थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। वही बात दोबारा उन्होंने कर दिया है कि जो ह्यूमन है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, मीनिंग को जनरेट करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करेगा थ्रू डिफरेंट इंट्रैक्शन, और फिर क्या होगा कि इससे ही हमारे पास नॉलेज और उनके मीनिंग जनरेट होगा। नॉलेज जनरेट होगा तो अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी, अंडरस्टैंडिंग जनरेट होंगे तो न्यू आइडियाज़ बिल्ड होंगे हमारे पास, और इस तरह ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं अंडर कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जो बेसिक प्रिंसिपल हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, जिनके पॉइंट्स हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं अभी, अब हम देखते हैं कि उनको थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, नॉलेज इज़ एक्टिवली क्रिएटेड और इन्वेंटेड बाय चाइल्ड, नॉट पैसिवली रिसीव फॉर इन्वायरमेंट। यानी जो नॉलेज है वो चाइल्ड खुद क्रिएट करता है। अब क्रिएट कैसे करता है, वो अपने इन्वायरमेंट में देखता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरप्रिटेशन, वो खुद ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, और फिर नॉलेज को जनरेट करता है। अब उसे नॉलेज खुद ब खुद इन्वायरमेंट नहीं दे देता है। दिस आइडिया कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय पेजेटियन पोजिशन डैट मैथमेटिकल आइडियाज़ आर मेड बाई चिल्ड्रन, नॉट फाउंड लाइक अ पेबल और एक्सेप्टेड फ्रॉम अदर लाइक अ गिफ्ट। वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया कि जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट फिनोमिना है, मैथमेटिकल फिनोमिना, उसके बाद फिजिकल फिनोमिना, जो साइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, तो वो क्या है कि चिल्ड्रन खुद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, खुद इन चीज़ों को समझता है ऑब्जर्वेशन से, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरप्रिटेशन, थ्रू एवेल्युएशन,
तो इसी तरह से ही आइडियाज़ को जो है और नॉलेज जो है वो जनरेट होती है और न्यू आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट होती है। ये हमें खुद ही लाइक अ गिफ्ट और इन अ वे लाइक अ पेबल नहीं मिल जाते हैं, ये हमें खुद क्रिएट करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम चिल्ड्रन ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो चार ऑब्जेक्ट के काउंटिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेगा, ये सिंबल, फोर सिंबल यूज़ होता है काउंटिंग के लिए। क्वांटिटी वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं फोर इस सिंबल को, थ्री के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। तो ये किसके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, ह्यूमन के कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। तो अब जैसे रोड पे जो है वो हमारे पास रास्ते होते हैं, हम मील्स और किलोमीटर्स में उनको जो है वो मेजर करते हैं, पानी को लीटर में मेजर करते हैं। तो ये जितने भी यूनिट्स और ये जितने भी फोर थ्री टू ये सिंबल्स हैं, ये किसके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, ये सब ह्यूमंस के कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। क्यों? ताकि अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकें और नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। तो आइडियाज़ हमें खुद कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये हमें लाइक अ गिफ्ट और पेबल नहीं मिल जाते हैं। तो इसकी जो एक एग्जांपल है वो हम ये ले सकते हैं कि न्यूटन, अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स का पता लगवाया था कैसे, उसने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल जो है वो जो दरख्त से वो नीचे गिरा है, तो उसने सोचा कि देयर माइट बी अ रीज़न बिहाइंड इट, कि कुछ हो सकता है जिसके जिस फोर्स की वजह से जो है वो एप्पल अट्रैक्ट होके ज़मीन पे गिर गया दरख्त से। तो उसने खुद ऑब्ज़र्व किया अपने एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंटल फिनोमिनन को ऑब्ज़र्व किया और फिर उससे उसका न्यू नॉलेज क्रिएट हुआ, न्यू नॉलेज जनरेट हुआ और आइडिया कंस्ट्रक्ट हुआ, जिससे हमें पता चला कि देयर इज़ अनदर फोर्स जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिविज़म में कि किस तरह से जो है वो आइडिया कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, किस तरह से हम न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि चिल्ड्रन क्रिएट न्यू मैथमेटिकल नॉलेज बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस, यानी कि जो इंडिविजुअल है, चिल्ड्रन है, उनके जो फिजिकल और मेंटल जो एक्शंस हैं वो जो है डिफाइन करते हैं उनकी फर्दर उनके मैथमेटिकल नॉलेज को। अब कैसे कि आइडियाज़ आर कंस्ट्रक्टेड और मेड मीनिंगफुल व्हेन चिल्ड्रन इंटीग्रेट देम इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज, यानी चिल्ड्रन के पास जो ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है वो कैसे न्यू नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करता है। जब इसको लिंक करेगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, फिर क्या होगा, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर ही फर्दर जो है जो हमारे पास न्यू नॉलेज है, जो हम न्यू नॉलेज जनरेट करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो इसलिए जो है वो चिल्ड्रन की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसका लिंकेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत मैटर करती है हमारे जो फर्दर जो न्यू आइडियाज़ हैं उनके लिए। हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है कि नो वन ट्रूली रियली एग्जिस्ट, ओनली इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इंटरप्रिटेशन आर शेयर्ड बाय एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इंट्रैक्शन, यानी हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिनोमिना अब हम उनको खुद इंटरप्रिटेट करेंगे तो देन ही हमें पता चलेगा कि व्हाट आर मेन फैक्टर रीजंस बिहाइंड देम। अब वो कैसे होगा, वो थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू सोशल इंट्रैक्शन। अब सोशल इंट्रैक्शन ये अट्रैक्शन क्लासरूम में भी हो सकती है, हमारी फैमिली में भी हो सकती है और इसके अलावा भी बहुत सी इंट्रैक्शन होती है सोशल इंट्रैक्शन में, इसके अलावा भी बहुत सी इंट्रैक्शन आती है। उसके बाद थस लर्निंग मैथमेटिक्स शुड बी थॉट ऑफ एज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू एंड चेंज ऑर्गेनाइजिंग वंस क्वान्टिटिव वर्ल्ड, नॉट डिस्कवरिंग प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज इम्पोज बाई अदर्स, यानी अब हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो क्या होनी चाहिए कि एक थॉट होनी चाहिए कि ये प्रोसेस है ना कि दूसरों के आइडियाज़ को अडेप्ट करने का बल्कि खुद अपने न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने का। द फोर्थ प्रिंसिपल इज लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ग्रो इन टू द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ दोज अराउंड देम। अब जो लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है कि जो भी हमारे चिल्ड्रन है उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो एक्चुअली कल्चर का एक बेसिक पार्ट है, तो जो चिल्ड्रन है वो उसी कल्चर में रहता है, उसी कल्चर में सीखता है, तो इसलिए लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। उसके बाद वो कह रहा है कि मैथमेटिकल आइडियाज़ एंड ट्रूथ बोथ इन यूज एंड इन मीनिंग आर कोऑपरेटिवली इस्टेब्लिश बाय मेम्बर ऑफ अ कल्चर। अब वही उसने बाद दोबारा रिपीट कर दिया कि और वैसे भी कल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कल्चर डिफाइन करता है, डिफरेंट कल्चर डिफाइन करते हैं डिफरेंट थिंकिंग को और थिंकिंग के ऊपर ही हमारे पास जो फर्दर जो है आइडियाज़ जो है वो बेस करते हैं।
Thus, constructivism classroom is seen as a culture in which students are involved not only in discovering an invention but in a social discourse involving explanation, negotiation, sharing and evaluation. उसने कहा जो हमारे पास क्लासरूम की सेटिंग रहती है ना वो भी एक एजुकेशन कल्चर का पार्ट है. क्लासरूम की सेटिंग भी हमारे पास एक सोशल सेटिंग है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो इंटरेक्ट करता है अपने क्लासमेट से भी अपनी टीचर से भी. वो एज एन इंडिविजुअल भी काम करता है और अपनी परफॉर्मेंस को खुद इंटरप्रिटेट करता है और फिर जब वो ग्रुप में काम करता है तो फिर वो देखता है शेयरिंग को, एक्सप्लेनेशन देखता है, एवेल्यूएशन देखता है. तो इस तरह जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस भी है. अब हमारे पास जो लास्ट प्रिंसिपल है इसका वो है व्हेन अ टीचर डिमांड दैट स्टूडेंट यूज सेट मैथमेटिकल मेथड्स द सेंस मेकिंग एक्टिविटीज सीरियसली शॉर्टन. यानी जब टीचर डिमांड करती है कि जो स्टूडेंट है वो परफॉर्म करे सिर्फ एक लिमिटेड सेट के साथ, यानी कोई भी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे एक लिमिटेड मेथड्स के साथ, लिमिटेड सेट ऑफ मेथड्स के साथ, तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट की सेंस मेकिंग एक्टिविटी होती है ना वो शॉर्टन हो जाती है. वो सिर्फ उन्हीं लिमिटेड मेथड को ही यूज़ करता है, उससे फर्दर वो आगे नहीं सोचता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग की हमारी जो एबिलिटी होती है वो शॉर्टन हो जाती है और हम न्यू आइडिया को जनरेट नहीं कर सकते हैं और इस तरह जो है न्यू नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होती. स्टूडेंट टेंड टू मिमिक द मेथड बाय रोट सो दैट दे कैन अपीयर टू अचीव द टीचर्स गोल. फिर वो क्या करते हैं कि टीचर्स के गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि वो डॉटेड सिस्टम यूज़ करते हैं कि वो इन्हीं सेट ऑफ प्रोसीजर्स को रोट करते हैं और फिर क्या करते क्या होता है कि इनके सेंस मेकिंग एक्टिविटी शॉर्टन हो जाती है. देयर बिलीव अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स चेंज फ्रॉम व्यूइंग मैथमेटिक्स एज सेंस मेकिंग टू व्यू इट एज लर्निंग सेट प्रोसीजर्स दैट मेक लिटल सेंस. अब वो ये कह रहा है कि उनका जो बिलीव है ना कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सेंस मेकिंग एक्टिविटी है, वो उससे चेंज होके क्या हो जाता है, उनका बिलीव ये हो जाता है कि मैथमेटिक्स एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स को यूज़ करने का नाम है. तो फिर वो क्या करते हैं कि उस टीचर को गोल को अचीव करने के लिए रोटेड सिस्टम यूज़ करते हैं और फिर लिमिटेड जो है वो मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. फिर वो उनके पीछे का रीजन, उनके पीछे के इफेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं. इस तरह क्या होता है कि जो सेंस मेकिंग एक्टिविटी होती है वो शॉर्टेंड हो जाती है. तो आज हमने कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में बात किया, देखा कि व्हाट एक्चुअली कंस्ट्रक्टिविज़म इज़, और देन उसके हमने ये जो सब मेन पॉइंट्स हैं इन सब मेन पॉइंट्स को हमने उसके प्रिंसिपल्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन देखी इन सब मेन पॉइंट्स की. होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट.